हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं टेक्निकल सीखिए। तो चलिए टेक्निकल सीखिए। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपका फ़ोन पुराना है तो आपके में एक नया फीचर्स नहीं होगा। दरअसल क्या होता है, हम उन पुराने फ़ोनों में डाटा काउंटर नहीं होता, यानी कि हम जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं या जितना हम डाटा यूज़ करते हैं उसका वो डाटा नहीं रख पाता। दरअसल क्या है, जिनमें ये पुराना सेट है उनमें ये फीचर्स नहीं आ रहा। तो आज मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने डाटा का एक एक एमबी काउंट कर सकते हैं। आपने कब कितना चलाया या वाईफाई से कितना आपने अपने फ़ोन में डाटा चलाया वो सब आपको पता रहेगा मात्र सिर्फ एक एप्लीकेशन की मदद से। क्योंकि कभी बार ऐसा होता है हमारा डाटा कभी जल्दी ख़त्म हो जाता है और हमें पता भी नहीं रहता कि आज पूरा दिन नहीं हो पाया या 24 घंटे नहीं होगा, हमारा डाटा ख़त्म हो गया। तो आज मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा जिसकी मदद से आप पता लगा सकते हैं कि अभी मेरा डाटा कितना बचा और कितना खर्च हो चुका है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और घंटी के ओर पर सेलेक्ट कर दें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। और आपने एक प्यारा सा हमें कमेंट कर देना है, कमेंट में लिख देना है नाइस वीडियो और इसको सेंड कर देना है। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दी। आपके एक लाइक से मैं काफ़ी मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहूंगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो बस आपने अपने फ़ोन में एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करा, उस एप्लीकेशन की मदद से आप हर एक एमबी काउंट करके पता लगा सकते हैं कि आपके फ़ोन में कितना एमबी बचा है और कितना आपने यूज़ कर लिया है। तो चलिए मैं उस एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। वो एप्लीकेशन आप आसानी से आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा और उसकी लिंक आप अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दें, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए उस एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूँ। उस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले डेट, यहाँ पर हर एक डेट आती जब तक आपने इसको यूज किया वो आपको यहाँ पर डेट मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दूसरे नंबर पर दिखाई देगा मोबाइल। तो यहाँ पर जो आप जैसे मोबाइल का डाटा यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पर डेट वाइज यहाँ पर शो करेगा कि आपने इस दिन इतना यूज़ किया, इस दिन इतना यूज़ किया। फिर जैसे उसके बराबर हम वाईफाई, अगर आप किसी की वाईफाई से भी अगर डाटा यूज़ करते हैं तो उसका भी यहाँ पर डिटेल्स रहती है कि आपने दूसरों की वाईफाई से कितना एमबी आप यूज कर सकते हैं। तो और सबसे लास्ट में यहाँ पर टोटल दोनों का कंबाइंड आपने कितना उस दिन यूज़ किया वो यहाँ पर शो करता है। तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप एक एक एमबी एक जीबी डाटा आप यहाँ पर काउंट करके देख सकते हैं कि उस दिन मैंने कितना यूज़ किया था और अब कितना यूज़ किया है। तो आप यहाँ पर आसानी देख सकते हैं कि आप कितना यूज़ कर चुके हैं और कितना आपका बचा है वो आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे आपको 1 GB डाटा मिलता है तो आपने 500 MB अगर यूज़ कर लिया तो आपको 500 MB आपका डाटा बचा हुआ। तो इस तरीके से आप आसानी से इस एप्लीकेशन की मदद से आप पता लगा सकते हैं मेरे में कितनी MB बची हुई हैं और कितना हम यूज़ कर चुके हैं। तो इस एप्लीकेशन में एक चीज़ और है, अगर आप जिस MB की प्रति के भी स्पीड भी यहाँ पर शो करता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपकी जो भी मूवी या फोटो डाउनलोड हो रहे हैं वो कितने KB प्रति सेकंड से डाउनलोड हो रहे हैं वो भी आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए। अगर हमसे कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम आपके लिए ऐसी टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो लाते रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।